टिकट बंटवारे को लेकर चल रहे भारतीय जनता पार्टी के सियासी घमासान और उत्तर प्रदेश की राजनीति सहित देश के तमाम राजनीतिक मसलों पर भारतीय जनता पार्टी की राय जानने के लिए हम बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु से। कैप्टन साहब, साधना न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जो है वो राम के आदर्शों की बात करती है। दशरथ जी के कहने पर राम जी ने गद्दी छोड़ दी थी, ये उदाहरण उन्होंने पेश किया था, लेकिन क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े बुजुर्ग नेताओं को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी भारत के संस्कृति और दर्शन की बात करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, और जिसके अंदर स्वाभाविक है कि रामायण की संस्कृति भी हमारी एक इतिहास है और हमको मार्गदर्शन मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखती है। और हमको सौभाग्य है कि अटल आडवाणी जी जैसे शिखर पुरुष ने इस देश की राजनीति के अंदर वो योगदान दिया कि एक गैर कांग्रेसी सरकार बना करके पहली बार भारत को जो परिवारवाद से मुक्त करा करके, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स से मुक्त करा करके सुशासन और विकास की राजनीति के मार्ग पर बढ़ाया। आज भी सदे अटल जी अस्वस्थ हैं, माननीय आडवाणी जी, उनका वरद हस्त पार्टी के ऊपर है, उनका मार्गदर्शन निरंतर पार्टी को मिलता है, तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है कि हम अपने किसी भी बड़े बुजुर्ग का सम्मान ना करें या उनकी बात ना माने। ये भारतीय परिवार पद्धति की परंपरा के अनुकूल हम आचरण करने का प्रयास करते हैं। ये तो एक विचार है, इसमें हो सकता है ये बहुत आपका व्यक्तिगत विचार भी हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो मीडिया में खबरें आई हैं उस आधार पर ऐसा गया है, परसेप्शन एक बिल्डअप हुआ है कि आडवाणी जी सरीखे और बड़े नेता टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज रहे हैं, और खुद आडवाणी जी भी भोपाल से लड़ने की बात कर रहे थे लेकिन अब उनको शायद मना लिया गया है। देखिए, मीडिया में जितनी भी खबरें आई निराधार और निर्मूल साबित हुई, और अंततः गतवा स्पष्ट हुआ, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्मीदवारी का प्रश्न हो जी, या मोदी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, या अरुण जेटली जी या सुषमा जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, माननीय आडवाणी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, यह सब एक तयशुदा व्यवस्था प्रक्रिया पद्धति के अनुसार क्रमवार राज्य अनुसार होता चला गया, और धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट हुआ कि राज्यों के अनुसार ये सूची बनती चली गई, और हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसने मिल बैठ करके चुनावी रणनीति के आधार पर ये निर्णय सही समय पर किए हैं। चलिए हम एग्जिट पोल्स की बात कर लें। एक महीने पहले तक, चूंकि एग्जिट पोल इस बार आपकी पार्टी के पक्ष में है तो आपको कंफर्टेबल भी होगा, एक महीने पहले तक के जो सर्वेस थे वो ये बता रहे थे कि आपको अच्छी खासी संख्या में सीटें यूपी में मिलने जा रही हैं, लेकिन इधर बीच जब टिकट का ऐलान हुआ और आपके कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के नाराज नजर आए, जैसे कि कलराज मिश्रा का भी बयान आया, आपके सूर्य प्रताप शाही जी से भी उनकी टक्कर चल रही है, रमापति राम त्रिपाठी के श्रीनाथ त्रिपाठी, कई ऐसे लोग हैं जिनके टिकट के बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा हुआ। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में इससे एक अच्छा मैसेज आपके कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जा रहा है, क्या आपको लगता है कि पार्टी को खामियाजा होगा? देखिए, जहां तक ओपिनियन पोल्स की बात है वो तो एक रुझान स्पष्ट करते हैं, एक दिशा का संकेत करते हैं कि आने वाला जनादेश किस दिशा में जाने वाला है। सही सही सीटों का अनुमान और आकलन मेरे ध्यान में तो आज तक इतिहास में कोई कर नहीं पाया है, लेकिन दिशा और रुझान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में स्पष्ट हैं। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बढ़त के साथ आज सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरी है, और जब रुझान और हवा और लहर जब एक पक्ष की हो तो स्वाभाविक है बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा रहती है, मंशा रहती है, योजना रहती है, परंतु अंत में संगठन को ही रणनीति के आधार पर तय करना पड़ता है कौन पार्टी का उम्मीदवार होगा, कौन चुनाव लड़वाएगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। और आज जितनी भी अभी तक टिकट हुई है, मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि तमाम बड़े नेता सब इस दायित्व बोध से पूरी तरह से अवगत है और परिचित हैं कि यह समय मेरा और तेरा नहीं है, यह समय देश के 125 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने, यह आवश्यकता पार्टी से ज्यादा
आज देश की है, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और हम सब मिलकर के अपनी पार्टी को जिताने में पूरी जिम्मेदारी तन मन से लगने वाले हैं, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हो और चाहे मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता हो। ये तो आपकी अपेक्षा है कि ऐसा पार्टी के नेता करें और ऐसा जनता का विश्वास वो जीतें, लेकिन जिस तरीके से धरना प्रदर्शन गोंडा में हुआ और आपकी श्रावस्ती की सीट पर हुआ, देवरिया की सीट पर हुआ, तमाम यहाँ तक कि राजनाथ सिंह जी का भी लखनऊ में विरोध हुआ, इन सब पर इलाहाबाद में आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता उलझते हुए नजर आए, इन सब बातों का क्या जवाब देंगे? देखिए, मैंने कहा जब पार्टी बड़ी होती है और जब एक उत्साहजनक वातावरण है और एक प्रकार की लहर आंधी भाजपा के पक्ष में चल रही है, कुछ कार्यकर्ता अति उत्साह के अंदर अपनी अपेक्षाएं उनकी बनी हैं, तो कोई निर्णय से, संगठन के निर्णय से कभी कभी किसी को वेदना भी हो सकती है और अपनी बात कहने का उनको अधिकार भी है। कभी कभी सीमा से बाहर जाकर के भी वेदना का प्रकटीकरण देखने को मिलता है, परंतु अंततोगत्वा भाजपा का जो प्रामाणिक कार्यकर्ता है वो जानता है कि इस वक्त वो किसी व्यक्ति या पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा, वो देश के लिए काम कर रहा है। और आज मैंने कहा, मैं संतोष के साथ कह सकता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी इस प्रकार के कोई भी समाचार आज आपको कम से कम नहीं मिला होगा कि कहीं पर कोई नाराजगी है या कोई किसी प्रकार का किसी की टिकट को लेकर के कोई आक्रोश है। चलिए, रूठों को मना लेंगे आप, ऐसी आपकी अपेक्षा होगी, योजना होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक बात बार बार कहते रहे हैं कि वो कांग्रेस मुक्त भारत देने जा रहे हैं। इस बात का आप राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर क्या जवाब देंगे जब भारतीय जनता पार्टी एक ओर तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है, दूसरा कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ वो जुड़ रही है, उनको अपने साथ शामिल कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक छुआछूत में विश्वास नहीं रखती है। यह बात तो सही है कि कांग्रेस ने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड बनाए हैं। पिछले 10 वर्षों के अंदर तो इतने घोटाले हुए हैं कि कांग्रेस एक प्रकार से भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। परंतु कांग्रेस में भी कुछ लोग ऐसे रहे जो समय समय पर उन्होंने उस भ्रष्टाचार के घोटालों के खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज भी उठाने की बात की या उसका कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध भी किया। और आज भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और कुछ लोग पार्टी के अंदर शामिल होकर के पार्टी की इस मुहिम को मजबूत करना चाहते हैं, तो पार्टी उनको साथ लेकर के कांग्रेस मुक्त भारत का जो स्वप्न महात्मा गांधी जी ने लिया था, आज देश की जनता ने उसको संकल्प बना लिया है, उसको हम साकार करें। तो मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक विचित्र प्रकार के साबुन को तैयार कर लिया है जिस पर कांग्रेस के नेताओं पर अगर दिया जाता है तो वो बिल्कुल धुल जाते हैं, बेदाग हो जाते हैं और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने योग्य हो जाते हैं। मैं इस कतई भी इस बात का दावा नहीं करता और स्वीकार भी नहीं करता हूं। बहुत सारे ऐसे कांग्रेस से राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता जो भाजपा में आना चाहते थे, परंतु उनको लगा कि उनका इतिहास, उनकी छवि हमारी पार्टी के विचार के, लक्ष्य के और देश के हित में नहीं होगी, हमने उनको मना भी किया है। सतपाल महाराज को मैंने कई बार सुना, कल तक वो नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक बताते थे, आखिर क्या हो गया रातों रात, उनको कौन से ऐसे आध्यात्मिक अनुभूति हो गई कि नरेंद्र मोदी जो है अब सांप्रदायिक नहीं रहे, बीजेपी ने उनको अपने साथ थाम लिया? इसका उत्तर तो सतपाल महाराज ही दे सकते हैं। हमको तो ये मालूम है कि आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि उस राजसु यज्ञ के अंदर जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने झूठी पत्तलें उठाने का काम किया था, सतपाल महाराज जी को भी लगा कि देश आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि आज देवासुर एक प्रकार का संग्राम हो रहा है, उसके अंदर सतपाल महाराज जी भी अपना योगदान दे करके देश के हित में, देश को बचाने के लिए, महंगाई भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने, उस अभियान में हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिक जिम्मेदारी आप पर है और जो सीटों का इजाफा उत्तर प्रदेश से दिखाया जा रहा है उसमें बार बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र है, जाहिर है वहां पर एक बहुत बड़ा दंगा भी हुआ, उसको लेकर भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल उस वजह से भी बना है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वातावरण बना है
उसके जड़ में, उसके मूल में लगातार लंबे समय से उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो बसपा सरकार रही चाहे वो सपा सरकार रही, उनकी नीतियां ज्यादा जिम्मेदार हैं। जनता बड़ी निराश हुई है, वहां पर पूर्ण रूप से अराजकता है, विकास नाम की कोई चीज नहीं। जातिवादी राजनीति से, अल्पसंख्यकवाद की राजनीति से आम उत्तर प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है, त्रस्त हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। लेकिन जो आपने जिक्र किया ये दंगे, ये सब, ये भी भारतीय जनता पार्टी के, जो आज आप कह रहे हैं उनके पक्ष में, ये समाजवादी पार्टी का फेल्योर है। उनका जो प्रशासनिक मशीनरी के ऊपर उनकी पूरी तरह से उनका फेल हो जाना है। एक सामान्य कानून व्यवस्था के मामले को अगर सांप्रदायिक चश्मे से देख करके उसका समाधान करने की सरकार कोशिश करेगी तो इसका मतलब सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की मंशा में खोट है। चलिए, इसमें जो जाट आरक्षण की जो बात कही जा रही है उसका क्या फायदा नुकसान आप देखते हैं? कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार ने अपने 10 वर्ष के अंतिम महीने की अंतिम कैबिनेट बैठक में जाट समाज को आरक्षण देने का जो निर्णय किया है उससे कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। नंबर एक कि उनको लगता है कि उनका जमीन खिसक चुकी है, अब वो फिर से किसी प्रकार से अपनी खिसकती हुई जमीन को रोकने के लिए आरक्षण के इस और अनेक प्रकार के आज वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरा कि लगातार लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई जाट समाज के लोग कर रहे थे, तो 10 वर्ष तक आपने उनको वंचित रखा, आप मामले को लंबा रखते रहे। आपने स्वीकार किया है कि जो लाठी गोली कांग्रेस की सरकारें चला रही थी, जो लोग उनके ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे थे जिसमें लोग मारे जा रहे थे कांग्रेस की सरकारों में, तो इसका मतलब कांग्रेस गलत थी। आज उसको न्यायोचित मान करके आरक्षण दिया है, ये सरकार की नीतियां गलत थी, इतने लंबे समय तक उनको वंचित रखा गया। तो जाट समाज भी एक जागरूक समाज है, भले ही सामाजिक आर्थिक तौर पर वो कहीं ना कहीं कोई पिछड़ा रहा, परंतु वो कांग्रेस की नीतियों को भली भांति समझता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कितनी सीटों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी करती है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, एक नया इतिहास रचेगी, और मैं वहां का प्रभारी के नाते भी मुझे पूरा भरोसा है कि शायद एक नया इतिहास रचने वाला है। हमें कोई भी सीट हमारी कमजोर नहीं दिखाई दे रही है, हम जिम्मेदारी से चुनाव को लड़ना चाहते हैं। अभी मैं अति आत्मविश्वास में नहीं जाना चाहता, भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात लगे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमको बहुत अपेक्षा से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। कैप्टन अभिमन्यु से अभी और ढेर सारे सवालों के जवाब हम लेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हमने बात कर ली, आपकी व्यक्तिगत राजनीति पर भी चर्चा करना चाहेंगे। ऐसी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी, क्योंकि आप जमीनी नेता भी रहे हैं, कई बार आप चुनाव भी लड़े हैं, क्या वजह है कि आपको इस बार पार्टी ने नजरअंदाज किया? पार्टी ने मुझे जो उचित समझा, मेरी जो भूमिका तय की, तो मैं अपनी भूमिका का निर्वहन करूंगा। मैं पार्टी का एक साधारण सा छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और पार्टी को अगर लगेगा कि इस युद्ध के समय में मेरी आवश्यकता झाड़ू मारने की भी है, तो भी मैं खुशी खुशी आज वो काम पार्टी के लिए करूँगा। तो आपको कोई निजी दुख नहीं हुआ? दुख होने का सवाल ही नहीं है, पार्टी ने मुझे काम दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुझे सह प्रभारी के नाते काम करने का सौभाग्य मिला है। मैं तो ये कहूँगा कि इस पूरे अभियान में मैं छोटा सा गिलहरी योगदान भी कर पाया हूँ या कर पाऊंगा, तो
तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये तो आपकी विनम्रता है, लेकिन बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की। जब भी वो कोई उदाहरण पेश करते हैं तो बार बार गुजरात का जिक्र करते हैं। ऐसे में दूसरी राज्य सरकारों को या दूसरी सरकारों को जो आपकी पार्टी की सरकारें नहीं है, उनके नेताओं को भी बहुत ही अनकंफर्ट महसूस होता है। उनको लगता है कि हर चीज में गुजरात का नाम लेना उनके एरोगेंस को दिखाता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एरोगेंस देखने का विषय नहीं है। 12 साल उन्होंने गुजरात को कहां से कहां पहुंचाया। आज भारत में नहीं, विश्व में गुजरात जो है उस सुशासन और विकास के मॉडल का पर्याय बन चुका है। गुजरात की चर्चा आज दुनिया में होती है और नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के विकास को लगातार केंद्र की सरकारों के विरोध के बावजूद, उनकी प्रताड़ना के बावजूद सुनिश्चित करके दिखाया। देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां गांव के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती है, जहां रात के 1-2 बजे हमारी बहनें स्कूटर पर चल करके गहनों से लद करके सुरक्षित अपने आप को महसूस करके सड़क पर निकल सकती हैं। देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पीने के पानी पहुंचाने के लिए हजार हजार किलोमीटर की पाइपलाइन लगाई गई हो, साबरमती नदी को नर्मदा का पानी से जीवित और जीवंत कर दिया हो। ऐसी कल्पनाएं जो नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर साकार करके दिखाई है, वह स्वाभाविक तौर पर किसी को भी अपना काम प्रिय तो लगता ही है, परंतु उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय यह है कि वो देश के सामने मॉडल रखना चाहते हैं कि जब गुजरात में यह हो सकता है तो भारत में यह लागू किया जा सकता है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने यह जिम्मेदारी उनके ऊपर दी है कि आप गुजरात में जो सुशासन विकास आपने किया है उसको 125 करोड़ लोग, उनको लाभ मिले। कभी वो कहते थे मेरे 6.5 करोड़ गुजराती, अब नरेंद्र मोदी जी मेरा 125 करोड़ भारतीय कहने का वो भरोसा वो देश को देने वाले हैं। साथ साथ ये कहना चाहूँगा माधुरी जी कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की सरकार ने भी अच्छा काम किया, उसकी भी प्रशंसा की है। छत्तीसगढ़ ने जो हमारा अंत्योदय अन्न योजना की जो काम किया जिससे कोई गरीब आदमी छत्तीसगढ़ के अंदर भूखा ना मरे, डॉक्टर रमन सिंह जी की भी भूरी भूरी प्रशंसा की है और शिवराज सिंह चौहान जी का भी जो सुशासन है बार बार उन्होंने उद्गृत किया है कि किस प्रकार से वहां पर कृषि की विकास दर को इतना आगे बढ़ाया है। कर्नाटक में भी हमारी सरकार ने 0% पर फार्मर्स को इंटरेस्ट के ऊपर लोन देने की जो योजनाएं की है वहां पर कृषकों को और कृषि अर्थव्यवस्था को जो लाभ पहुंचा है उसको भी मोदी जी ने सराहा है। ये तो चलिए नरेंद्र मोदी जी के विकास की बात हुई, उसको आपने अपने तरीके से बताया, लोगों ने महसूस भी किया होगा, उसकी चर्चा होती रहती है। लेकिन एक और चर्चा होती है कि नरेंद्र मोदी जी को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम बड़ी पार्टियां सांप्रदायिक बताती हैं। ये जो दाग नरेंद्र मोदी जी पर लगा है, इस पर क्या कहेंगे आप? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कौन लोग बोलते हैं? मुलायम सिंह यादव जी, कांग्रेस पार्टी, भारत के राजनीति के अंदर सांप्रदायिकता का विष घोलने वाली पार्टियां दूसरों को सांप्रदायिक कहती है, तो उनको याद रखना चाहिए कि एक उंगली अगर दूसरे की तरफ है तो चार उंगलियां उनकी तरफ है। मुलायम सिंह जी का बार बार बयान आता है कि देश बचेगा तभी तो देश विकास करेगा, पहले तो देश को बचाने की, देश को जोड़ने की जरूरत है, यही उनके रैलियों में उनका नारा होता है। उसी देश को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी आज पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के काम करने में लगे हैं। मैं आपके पिछले उत्तर को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि सांप्रदायिकता का विष इस देश में राजनीति में किसने घोला, जम्मू कश्मीर की समस्या इस देश को किसने दी, अल्पसंख्यकवाद की और तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में किसने शुरू की, मजहब आधारित आरक्षण की बात कौन करता है, मुस्लिम लीग जैसी सांप्रदायिक पार्टियों से गठबंधन करके देश में सरकारें कौन चलाता है, सिमी के ऊपर अगर प्रतिबंध लगे तो उसका विरोध कौन करता है, आतंकवादियों को प्रश्रय देने की बात कौन करता है, आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की बात कौन करता है, अलगाववादियों को उत्साहवर्धन करने की बात कौन करता है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। बनारस में जब घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे लगते हैं तो अकलियत के लोग अपने को थोड़ा महफूज महसूस नहीं करते, क्या कहेंगे? उनको भरोसा होना चाहिए, हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के अंदर मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए
भारत की मिट्टी में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से देश का नागरिक है, उसके समान अधिकार है, उसके समान दायित्व है। कैप्टन साहब, जिस तरीके से आपकी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस की महंगाई, भ्रष्टाचार, ये दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता आपको वोट करेगी, लेकिन कांग्रेस गिनाती है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो बिल है वो कांग्रेस ने दिया, फूड सिक्योरिटी बिल दिया, इस तरीके से तमाम ऐसे ठोस आधारभूत काम उन्होंने किए हैं जिसको जनता तक अगर सही तरीके से पहुंचाया जाए तो कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस पार्टी अपना मखौल खुद उड़वाती है। 10 वर्ष के शासन काल के अंदर उनके नेताओं को गिनाने के लिए केवल मात्र ये एक दो कानून है, वो आरटीआई कानून ये कांग्रेस पार्टी ने, तो वो भूल रहे हैं कि उस आरटीआई कानून के माध्यम से पूरे देश को उनकी सच्चाई जो पता लगी है, वह कानून भी बहुत पहले ड्राफ्ट हुआ था और बहुत पहले से प्रस्तावित था और उन्होंने उसमें अटकलें और अड़चन लगाने की कोशिश की और आज भी यथासंभव वो कोशिश करते हैं कि जब भी कांग्रेस के नेताओं के बारे में कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो उनको आरटीआई के दायरे से बाहर बता करके उनके बारे में जानकारियां नहीं दी जाती हैं। सर्वाधिक उदाहरण अगर कोई आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के मिले हैं तो कांग्रेस परिवार से लोगों से जुड़े हुए मिले हैं। ये देश ने ये नंगा नाच देखा है और जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में जितने पाप किए हैं, भारत की राजनीति में शायद इतने पाप कभी नहीं। चलिए, इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी की लहर है और कांग्रेस की जो नाकामियां रही हैं उसका खामियाजा उनको मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी सत्ता में आने के लिए जो अलायंस पार्टनर्स चाहिए आपको, वो कहाँ हैं, वो कौन लोग हैं? देखिए, मैं आपको पिछले प्रश्न से ही जोड़ करके इसका उत्तर देना चाहूंगा कि एक तरफ कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही थी, केंद्र में घोटाले कर रही थी, नीति की पंगुपन देखने को मिल रहा था, अनिर्णय वाली सरकार देखने को मिल रही थी, कुशासन हो रहा था। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारें सुशासन और विकास की नीति पर चल करके ठोस निर्णय लेकर के निर्णायक नेतृत्व का प्रदर्शन करके एक प्रकार की विश्वसनीयता जनता के बीच में प्राप्त कर रही थी। वही कांग्रेस की पूर्ण रूप से अविश्वसनीयता और भाजपा की क्रेडिबिलिटी जो विश्वसनीयता है, इस विश्वसनीयता का पूरी तरीके से आप दावा नहीं कर सकते क्योंकि कर्नाटक में आपकी सरकार पर भी तमाम दाग लगे हैं। हमको बहुत कर्नाटक के हमारी सरकार के कार्यकाल पर भारतीय जनता पार्टी को अभिमान है कि हमने कर्नाटक के अंदर सुशासन दिया, अच्छे काम किए। थोड़े से भी आरोप लगते ही हमने अपने मुख्यमंत्री का त्याग पत्र लिया और कर्नाटक की सरकार विधानसभा चुनाव में भले चली गई, हमने कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्य का बलिदान होने दिया लेकिन अपनी छवि से समझौता नहीं किया। और जब तमाम मुकदमे, ये जवाब तो कांग्रेस भी देती है कि तमाम बड़े नेता कांग्रेस के वो जेल गए हैं और ये कांग्रेस के शासन प्रशासन में ही हुआ है। बहुत मौलिक अंतर है। हमने केवल आरोप होने पर ही त्यागपत्र ले लिया, कांग्रेस के नेताओं को तो न्यायालय ने आदेश करके जेल में जाकर इस मंत्री को पकड़ करके जेल में डालिए। कांग्रेस ने तो चोरी पर सीना जोरी की। हमने नैतिकता का उदाहरण पेश करते हुए अपने मुख्यमंत्री से त्यागपत्र लिया और जब तक उनके ऊपर तमाम आरोप खारिज नहीं हुए उनको वापस नहीं लिया। लेकिन मेरे प्रश्न, एक प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया, अलायंस पार्टनर्स कौन कौन से हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता के विवेक में पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत की जनता ने, 125 करोड़ लोगों ने जो संकल्प लिया है, हमको विश्वास है कि वर्तमान एनडीए का जो स्वरूप है ये और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ये सक्षम होगा, समर्थ होगा और हम 272 के आंकड़े को पार करके एक स्थिर, स्थायी, मजबूत और निर्णायक सरकार देश को देने वाले हैं। चलते चलते एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से देश भर में अपने उम्मीदवार उतार रही है तमाम सीटों पर,
मेरा ऐसा खुद का मानना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के वोटों का नुकसान होता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जो प्रयोग हुआ था, जनता खुद ही ये मान चुकी है कि ये प्रयोग एक प्रकार का ये गलत अनुभव रहा। और आज आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता मीडिया के माध्यम से एक प्रकार से उछालने की बड़ी कोशिश की गई थी, वो सच्चाई उजागर हो चुकी है, वो कलई खुल चुकी है, आज उनकी कहीं पर कोई स्थिति नहीं है। कैप्टन साहब, आपने साधना न्यूज को इतना समय दिया, हमसे बेबाकी से बात की, बहुत तसल्ली से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।